टिफिन बांधकर सावे रोड स्थित फैक्ट्री में काम पर गए शख्स की पत्नी को बीती शाम एक फोन आया और उस गरीब परिवार की जैसी दुनिया ही बदल गई। बाणगंगा थाना क्षेत्र की घटना में एक शख्स की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों के मुताबिक निरंजनपुर में मां व पत्नी के साथ रहने वाले दो बच्चों के पिता राकेश पेंटर लंबे समय से सावे रोड सेक्टर ए में सीएल ट्रेडर्स कंपनी में काम करते थे। बीती शाम अचानक राकेश के गंभीर होने की सूचना मिली और जब अरविंदो अस्पताल पहुंचे तो वहां पता चला कि फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब मजदूर की मौत हो चुकी थी। ऐसे में परिजनों ने फैक्ट्री मालिक और वहां कार्य करने वाले अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उनके घर के सदस्य की हत्या की गई है। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ थे। उनका घर पर भी किसी से कोई विवाद नहीं था। वहीं परिजनों ने बाणगंगा पुलिस पर भी सवाल या निशान उठाया है। राकेश के परिवार वालों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद फैक्ट्री मालिक भी उन्हें विभिन्न तरह से थमका रहा है। राकेश की पत्नी व उसके नन्हे बच्चे सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। बेचारा हो गई, क्या करूंगी अब मैं। कितने लड़के हैं आपको? नहीं है, एक ही है। आपके साथ ही रहते हैं यहाँ पे? हाँ, रहते थे। हाँ, साथ में रहता। कितने सालों से काम काज कर रहे थे वो? कर रहे थे 8-9 साल से। किस तरह का उनका व्यवहार था? कोई झगड़ा तो नहीं था किसी से? झगड़ा नहीं करता था, रोज रोटी लगा के 8-9 बजे रोज निकल जाता था। क्या लगता है आपके लड़के के साथ जो हुआ है, क्या लगता है? हमारे लड़के के साथ झूमा झटकी हुई है, कुछ हुआ हुआ ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहेंगे? सरकार से किसी तरह की मदद या कुछ सहारा चाहिए हमको। हमारा जो टापरा टूट रहा है, सड़ रहा है, क्या करेंगे अब हम? परसों रोज उनका सर विवाद हुआ था थोड़ा सा वहाँ पे, तो कहते आज मैं नहीं जाऊँगा और फिर भी मन कट्टा करके आज चले गए। और फिर आज सुबह कल सुबह ऐसे किससे विवाद हुआ था, कुछ जानकारी बताई? सेठ कह दिया था कि तू काम पे मत आना, तो काम अच्छा नहीं करता है। कितनी सैलरी मिलती थी उनको? 9,000 देते थे, उसमें से भी सर पूरी नहीं देते थे, आधी देते थे। घर में कौन कौन है आपके और यहाँ पर? कोई नहीं सर, बस आसे और दो बच्चे अब। अच्छा, सेठ ने फिर बाद में आपसे बात की हादसा होने के बाद? नहीं, कि कल मैंने लगाया तो कहने लग गया आपसे जो करते बने वो कर लेना। उल्टी बात करने लग गया, धमका रहा था क्या? हाँ, कहता आपसे जो करते बना कर लेना। दिन में 11 सवा 11 बजे फोन लगाया, मैं काम पे जाती सर बंगले पे, ये बच्चे का फोन आया था, तो इससे बोला तेरी मम्मी कहने, बोला काम पे, बोलता तेरे पापा आज काम पे नहीं आया, तो ये बोलता नहीं पापा काम पे गए। इतनी बात हुई से इसने मेरे को घर आया। आपको कैसे सूचना मिली कि हादसा हुआ है? मेरे को 6:15 बजे फोन आया सर कल, उनके लड़के का। क्या नाम उस लड़के का जिनने फोन करा, उसका नाम बता आपको? सत्यदेव ऐसे कुछ नाम। कंपनी मालिक है मतलब वो? हाँ सर। जिस ठेकेदार के नीचे काम करते थे पास में, उस ठेकेदार का नाम पता है आपको? नहीं, ठेकेदार नहीं, ठेकेदारी में नहीं करते थे। जिससे फोन आया उसका नाम? कंपनी से और कोई सेठ के अलावा और किसी व्यक्ति ने संपर्क किया इस मामले में आपसे अभी तक? नहीं, बस सेठ ने किया था, उनके लड़के का आया था मेरे पास 6:15 बजे फोन, वैसे मैंने मेरे घर फोन लगाया। और उनके साथ जो कल एक लड़का था वो भी 4 जन वहाँ काम कर रहे थे, उसमें से एक वही था, तो मैंने उसको बोला कि आप भी कह रहे थे भैया काम कर रहे हो, तो बोलता अरे भाभी मैं काम नहीं करता, मैं तो अभी 2 ही दिन से आ रहा था। और वो भी था, वो हिचकिचाने लग गया बोलने में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ 2 बच्चे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है पहले कोई विवाद वगैरह हुआ था क्या? नहीं सर, विवाद हुआ कुछ तो हुआ, उनको उनको मारे गए। बीमारी वाली तो नहीं थी कुछ भी उन्हें? नहीं सर, अच्छे वाले। मैंने शराब पीते थे क्या? नहीं पीते थे, पीपल लगा के अच्छा वाला दिया है। मतलब हर साल हर समय जैसे जाते थे रोज नौकरी उसी तरह? हमेशा रोज वैसे जाता था, मैंने कल भी ऐसे पीपल लगा के रखा और कल मैं काम पे चले। क्या चाहते हो अब आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उनकी देखभाल लो और उनको जो भी देना चाहे सरकार वो दिला दे।